हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपके आगे एक नई वीडियो लाता हूँ बुलेट कुक पर, जो है रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड। इसमें जो कुछ मॉडिफिकेशन हुई है वो शायद कोई बाइक में हुई होगी, मतलब है फिलहाल के लिए। लेकिन इसमें है जो ये बेसिक मॉडल है 2021 का है, आप देख सकते हो इसका जो पार्ट है इसमें कुछ चेंज भी दिख रहा होगा आपको, अगर दिख रहा हो तो। नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। अब ये जो गाड़ी ये BS6 है, लेकिन ये BS6 नहीं है इस टाइम, इसको हमने बनाया है BS3 में कन्वर्ट किया है। और वो क्या कन्वर्ट किया है वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले तो इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या डला हुआ है, बाकी इंजन का जो BS3 बनवाया है उसके बारे में बाद में बताऊँगा। पहले आपको ये दिखा देता हूँ, पहले इसका डिज़ाइन देखो अलग ही लिखा, ये कौन सी कंपनी का है, पराडो ब्रांड है। और जो ये पीछे का लुक है इसका, ये देखो हाईलाइट वगैरह सब कुछ, मतलब चेंजिंग वेंजिंग है सब कुछ। बैक लाइट हेडलाइट दोनों चेंज है। ये देखो हेडलाइट आ गया हो भैया, ये देखो हेडलाइट इसकी LED है। इसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा रफ सा दिख रहा है, येल्लो सा, ये बारिश की वजह से हो गया पानी डालने के लिए। अब मैं इसके ओनर को बुलाता हूँ, इसमें क्या चेंज कर रहा है BS6 को BS3 कन्वर्ट करने के लिए, उसने क्या क्या इसमें जो डलाया सामान क्या क्या है, तो इसके ओनर को बुलाते हैं। गाइस आ जाओ भाई, तो बताओ आपको ऐसा क्या दिमाग लगाया इसको BS6 को BS3 बनाने के लिए, आपको क्या सोचा क्या इसमें पार्ट डलवाए, बताओ क्या क्या पार्ट डलाया है आपको BS3 बनाने के लिए, क्या क्या इसका खर्चा आया है और क्यों डलवाया है किस वजह से। सबसे पहले तो इसमें वायरिंग डली है 20 BS3 की, सारी BS3 की पूरी वायरिंग, मतलब BS3 जो BS6 की सारी हटा दी थी। इस और जो BS3 बनवाने के लिए वायरिंग का क्या कनेक्शन है, कनेक्शन क्या, मतलब BS6 की वायरिंग काम नहीं देती इसमें। अच्छा, BS3 और इसमें फ्यूल मोटर आती थी BS6 वाली, और ये कार्बोरेटर लगा है। कार्बोरेटर देखो भाई, गाइस ये देखो कार्बोरेटर, ये है जो अपन पहले आता था BS3 में ऑन ऑफ करने का, तेल बंद करने का जो भी है। इसके अंदर जो मोटर है, मोटर डली है, मोटर हट गई, मोटर कार्बोरेटर डला है। अच्छा, बस डायरेक्ट तेल इसके अंदर है ना। हाँ, मोटर हट गई। और ये डले हैं दोनों साइड के, ये दोनों बॉक्स, ये दोनों चेंज हुए। BS3 वाले डले हैं, और BS3 बनाने के और क्या क्या चेंज हुआ, इंजन में भी कुछ काम किया है क्या? इंजन में तो कंपनी से ही करवा दिया था। नहीं, इंजन में नहीं है, कुछ ऐसा पार्ट डला है क्या? कुछ नहीं हुआ इंजन, कुछ भी नहीं हुआ नहीं। तो आप मेरे को बस एक और जवाब दे दो कि आपको क्या क्या कारण से ये BS3 बनवाने का सोचा, क्या दिमाग लगा? BS6 में एग्जॉस्ट लगवाया था। अच्छा, तो उससे 15,000 किलोमीटर पे इंजन काम आ गया था। 15,000 किलोमीटर पे इंजन काम आ गया BS6 का। हाँ, BS6 का, वो भी साइलेंसर की वजह से। अच्छा, पहले साइलेंसर लगवा लिया था? हाँ, पहले ही लगवा लिया था ये वाला। हाँ, यही था उसमें, ये बैंड पाइप नहीं थी, मतलब दिक्कत क्या आ रही थी उसमें जो इंजन काम आ गया? दिक्कत ये BS6 में सभी में आती है। अच्छा, BS6 सभी में आती है। फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आप BS3 में कन्वर्ट कराओ कि ये दिक्कत नहीं आएगी? वो तो हमने शॉप पे बात कर ली थी गुड़गांव में, वहीं उसी ने बताया था कि जी बैंड पाइप और वायरिंग चेंज करवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी इंजन में। तो वायर ये है कि BS3 बना सकते हो तो अपने इंजन में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर BS6 में आप डायरेक्ट साइलेंसर लगवाओगे, कौन सा, ये लॉन्ग पंजाब है या मिनी पंजाब साइलेंसर लगवाया भाई ने जो BS6 में पहले, तो उस वजह से इसका इंजन काम आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी क्लेम नहीं करती आप साइलेंसर लगवाओ तो इंजन काम आएगा, बाद में इसका कोई गारंटी नहीं होगी इंजन की। तो भाई ने सही दिमाग लगाया, BS3 में बनवाओ और फिर अपना साइलेंसर से मजे लो। ये वायरिंग BS3 वाली। अच्छा, ये BS3 वाली इसमें इंजन से अटैच है या फिर ऐसे? ये पूरी वायरिंग चेंज हुई थी। अच्छा, पूरी वायरिंग। और ये है इसका ये एम्पी मीटर और चेंज कराएगा। ये देखो, ये सबसे अलग BS6 में आप देख सकते हो, वो सबसे अलग था, मतलब डार्क सा सी एकदम वो है, ये इसमें सारा वाइट सा सी बैंड पाइप ये एग्जॉस्ट। तो गाइस, भैया से एक सवाल और पूछूंगा मैं, इसका एवरेज में क्या डिफरेंट आया, और ये BS3 को, मतलब BS6 को BS3 बनवाने के लिए एवरेज में क्या डिफरेंट, पहले सही देती थी या अब सही देती है? पहले कम देती थी, अब ज़्यादा देती है BS3 बनने के बाद। कैसे, मतलब ये तो साइलेंसर भी अपना डाउन हो गया और आप शायद पटाखे फोड़ती है। अच्छा, पहले इसमें यहाँ
पे वो होता था सेंसर और यहाँ पे कुछ होता था अंदर गाली वाली। अच्छा सेंसर होता था इधर? हाँ। अरे हाँ वो बेसिक्स में सेंसर आता है ना गाइस, वो बैंड पाइप यहाँ से वहाँ तक पूरा खाली है, अभी डायरेक्ट है। हाँ। तो बी एस थ्री में आप देख सकते हो पुराने जमाने की गाड़ी होती है अपनी, जो भी स्प्लेंडर कैसी भी गाड़ी लो उसमें बी एस थ्री में कुछ नहीं होता, ये सेंसर वेंसर अब आने लगे बी एस सिक्स में। वो आप देख सकते हो आर वन फाइव में भी है सेंसर। ये सही कह रहे हैं भैया कि इसमें सेंसर है, वो सेंसर क्या इस वजह से वायरिंग चेंज की थी, सेंसर की वजह से ये बैंड पाइप इसकी वजह से चेंज हुई थी और वायरिंग तो इस वजह से हुई थी क्योंकि बी एस सिक्स में सेंसर ज़्यादा थे। हाँ। ये अब बिना सेंसर के बन गई पूरी बाइक। अच्छा फिर वो साइलेंसर की वजह से, इंजन सीज होने की वजह से सेंसर पर दिक्कत आती। हाँ। तो इसका ये भी बदला है। अच्छा ये हाँ ये स्विच का बॉक्स। हाँ ये आपको क्या वो कंपनी वाला साइलेंसर आता है स्टॉक वाला वो सही नहीं लगता क्या? नहीं नहीं कैसे भी लगवा ले कैसे भी टेक दे अपने बुल्ट में पटाखे फोड़े या फिर कैसे भी अपन चलाए रुके। और बी एस सिक्स में क्या था इंजन सीज होने की डर था जो साइलेंसर लगवा नहीं पाते कुछ लोग। तो मेरे भाई को बता देता हूँ जिसकी बी एस सिक्स है और वो साइलेंसर नहीं लगवाना चाह रहे, मतलब लगवाना चाह रहे लेकिन ये डर है कि इंजन सीज हो जाएगा, तो आपके पास ये उपाय है कि आप बी एस थ्री में कन्वर्ट कर। तो भाई साहब इसका खर्चा टोटल कितना आया? 22,500। 22,500 टोटल जितना भी चेंज हुआ सब कुछ। बस ये फ्यूल वो मतलब क्या है कार्बोरेटर और बैंड पाइप ये और अपने वायरिंग और ये बॉक्स ये दोनों। हाँ। इसके 22,500। हाँ। तो भाई 22,500 में अपनी बी एस थ्री कन्वर्ट हो सकती है और उसमें बेनिफिट आपको मिल रहा है। आप अपने मन से कोई सही साइलेंसर लगाओ, मिनी पंजाब लॉन्ग पंजाब कैसा भी आप लगवा सकते हो और अपने बुलेट के मजे ले सकते हो। और बुलेट में मजा ही उस चीज़ का है साइलेंसर जब तक लाउड नहीं हो। तो आप और क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई थी इसके अलावा? तो ये हेडलाइट है। अच्छा ये DRL वाली। हाँ। ये हेडलाइट ये कैसा मतलब इसका रिस्पॉन्स कैसा है? अच्छा है, येलो से तो बढ़िया। अच्छा येलो से तो बढ़िया। अच्छा ये जो हेडलाइट है अपनी पहले डायरेक्ट जलती थी। हाँ। अब ये इस स्विच से कोई मतलब पॉइंट से जलता है या फिर डायरेक्ट जलती है? पार्किंग तो देख सकते हो भाई ये पार्किंग जला रहे भैया। ये स्टार्ट होगी तभी जलेगी इसकी। चलो कोई नहीं स्टार्ट करके देखो। हाँ इसका लाउड तो देख लेते हैं कैसा है। स्टार्ट करो भाई इसको कैसे गाइस। मैं भैया से एक चीज़ और पूछ रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले, आपने ये कहाँ पे करवाया ये काम? ये गुड़गांव कौन सी? संजय रॉयल इनफील्ड गैराज। अच्छा। पुराना बस स्टैंड गुड़गांव। पुराना बस स्टैंड वो गली में है या रोड के ऊपर है? नहीं ऑन रोड पे। ऑन रोड पे नहीं है गली में। गली में है। हाँ। अच्छा वो वहाँ पे आप जाते रहते हो? हाँ। तो आप कोई नहीं आप वहाँ पे करवा लेना, आपको भैया ने एड्रेस दे दिया। अगर आपको चाहिए प्रॉपर एड्रेस मैप डाल लेना, मैप डाल लेना कैसे भी कर लेना, चाहिए तो मैं आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना मैं आपको दे दूंगा। चलो भैया इसको स्टार्ट करके दिखाओ मेरे को इसका कैसा लाउड है, मतलब क्या है इसका रेस्पॉन्स। बहुत लाउड है, बहुत लाउड। आपको फोन पता नहीं एयरफोन लगा के देखना पड़ेगा जब भी आपको इसकी आवाज का पता लगेगा कैसी आवाज है। मेरे कान अभी तक सुर हो रही है, वैसे चू चू नहीं होती जैसे लाउड हो ऐसे कोई सुन ले हो अपन बेस वेस ऐसे। तो भाई आप मेरे को ये बताओ आप बी एस सिक्स में ये मजे ले सकते थे? बी एस सिक्स में ये मजे नहीं थे। ये नहीं थे ना भाई? सही में ही नहीं थे क्योंकि अब जो है ना इस गाड़ी का टेल का अब दिखता है कि हाँ अब बुलेट है ये स्टैंडर्ड अब दिखती है ये ओरिजिनल, पहले जो आती थी वही है अब ये। और जो लोग कहते हैं कि ज्यादा पेट्रोल खाती है पटाखे फोड़ने से ऐसा कुछ नहीं है, तो वो 3 रुपए का एक
दो तीन रुपए में एक पटाखा मान लो ना बरोबर है अपन ऐसे ही है तो भाई कुछ नहीं है ना आप डर के मारे भाई पटाखा नहीं फोड़ सकते तो पेट्रोल खा जाएगी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कोई डर अपने आराम से जिंदगी में कैसे पटाखे फोड़ो कैसे वो करो कोई दिक्कत नहीं है अपने डीजल पेट्रोल अपना वो का वो ही रहेगा एक दो रुपए का फर्क है लेकिन मजे तो है पटाखे फोड़ने में यार आप जानते तो भाई थैंक यू रिव्यू देने के लिए आपकी बाइक का आपकी बाइक कैसी अच्छी है तो भाई आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओके टाटा बाय बाय।